से आप ए प्लस बी लिखते हो, तो ए और बी जो है वो क्या है, ऑपरेंड्स, और जो प्लस है वो है आपका ऑपरेटर. सो व्हेन वी टॉक अबाउट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, तो पहली बात तो ये बाइनरी ऑपरेटर है. बाइनरी ऑपरेटर का मतलब क्या है कि इसमें आपको दो वैल्यूज चाहिए होती हैं काम करने के लिए. सो जो ऑपरेटर दो वैल्यूज पे काम करता है उसे हम बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं. ठीक है, हमारे पास सात ऑपरेटर्स हैं, सेवन ऑपरेटर्स वी हैव विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. तो पहले मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि इन सब का काम क्या होता है, और उसके बाद जैसे मैथ्स में होता है ना कि आप पहले सीखते हो प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, और उसके बाद आपको सिखाया जाता है बॉड मास, है ना, और फिर वो सारी ब्रैकेट्स की कौन सी ब्रैकेट कैसे सॉल्व होगी. तो हम भी बिल्कुल वैसे ही यहाँ करने वाले हैं. पहले हम देखेंगे हर ऑपरेटर का काम क्या है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि बॉड मास तो यहाँ नहीं है एग्जैक्टली, बट किस तरीके से अगर ये सारे ऑपरेटर्स एक एक्सप्रेशन में हो तो किस तरीके से सॉल्व होंगे. सो जिसे हम यहाँ पर प्रेसिडेंस ऑर्डर या फिर हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स कहते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शनिंग देख लेते हैं कि क्या क्या है. सात ऑपरेटर्स में से सबसे पहला ऑपरेटर है रेस टू द पावर. ठीक है, रेस टू द पावर का क्या मतलब है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा ए डबल स्टार बी, सो ये जो डबल स्टार साइन है आपका, ठीक है, ये हैश का साइन जब मैं लगाती हूँ दैट मीन्स इट्स अ कमेंट. कमेंट मतलब इट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, ये सिर्फ हमारे अपने लिए है. सो दिस इज एक्सपोनेंट या फिर एक्सपोनेंसिएशन कह सकते हो, बेसिकली रेज्ड टू द पावर. ठीक है, सो ए रेज्ड टू द पावर बी, सो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 49, क्योंकि 7 रेज टू द पावर 2 इज 49, है ना, सिंपल. सो जब भी आपको रेज टू द पावर निकालना हो आप दो स्टार्स यूज करेंगे, फाइन. उसके बाद तो सिंपल है, सिंगल स्टार अगर मैं देती हूँ दैट इज मल्टीप्लीकेशन, सो दैट विल बी 7 × 2 = 14. उसके बाद आपके पास है डिविजन. अब डिविजन के लिए दो साइंस हमारे पास अवेलेबल हैं, एक है ए स्लैश बी और दूसरा है ए डबल स्लैश बी. अब दोनों में फ़र्क क्या है, मैंने आपको डेटा टाइप्स बताए थे, उसमें बताया था एक डेटा टाइप होता है इंटीजर और एक होता है फ्लोट, राइट. सो ये जो है ऊपर वाला ए स्लैश बी, इसका आंसर फ्लोट में आएगा और ये प्रॉपर डिवीजन करेगा. जैसे 7/2 है तो आंसर विल बी 3.5, क्योंकि 7 को 2 से जब हम प्रॉपरली डिवाइड करते हैं तो 3.5 आता है. लेकिन ये जो सिंबल है डबल स्लैश, इसे आप फ्लोर डिवीजन या फिर इंटीजर डिवीजन भी कहते हो, एंड इसका काम है सिर्फ इंटीजर पार्ट देना. सो अगर 3.5 आंसर आ रहा है तो ये आपको सिर्फ 3 देगा, 3.1 आ रहा होता तो भी सिर्फ 3 देता, 3.9 आ रहा होता तो भी सिर्फ 3 ही देता. तो जो भी डेसिमल से पहले वाली वैल्यू है इट विल गिव यू दैट. सो सिंगल स्लैश से आई एम गेटिंग 3.5, लेकिन डबल स्लैश लिखने से मेरे पास 3 आएगा, दैट मीन्स ओनली द इंटीजर पार्ट ऑफ द नंबर. ठीक है, अब डिविजन से ही रिलेटेड एक और ऑपरेटर है जो कि दिखने में तो परसेंटेज जैसा है पर इसका परसेंटेज के साथ कोई लिंक नहीं है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज. ये है रिमाइंडर के लिए कि भाई दो इंटीजर्स थे आपने जब यहाँ पे नंबर्स को डिवाइड किया तो आपके पास जो रिमाइंडर है वो कहाँ गया, वो तो कहीं नहीं आया ना. हमारे पास एक तरह से इसने सिर्फ क्या दिया, कोशेंट, तो कोशेंट तो आपके पास आ गया, वॉट अबाउट द रिमाइंडर. अगर हमें रिमाइंडर चाहिए तो परसेंटेज साइन इज फॉर रिमाइंडर, जिसे हम मॉडुलस ऑपरेटर भी कहते हैं. तो परसेंटेज साइन को आप रिमाइंडर या फिर मॉडुलस ऑपरेटर भी कह सकते हो, ये आपको डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बच जाता है वो देगा. उसके अगले दो तो बहुत ही सिंपल हैं, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. प्लस विल सिंपली ऐड द नंबर्स, माइनस विल सिंपली सब्ट्रैक्ट द नंबर्स. सो ये दोनों नंबर्स आपके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. इसको हम रन करेंगे तो आप देख रहे हो 7 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 7 × 3 = 6, रिमाइंडर बचता है 1. सो ये आपके पास 1 आ रहा है. ए प्लस बी, 7 + 2 = 9, 7 - 2 = 5. ठीक है, सो दीज आर द रिजल्ट्स फॉर ऑल दीज 7 ऑपरेटर्स. सो वी हैव एक्सपोनेंट, वी हैव मल्टीप्लाई, वी हैव डिवाइड, वी हैव इंटीजर डिवाइड जिसमें आपका फ्रैक्शनल पार्ट नहीं आता सिर्फ इंटीजर पार्ट आता है,
this is percentage, that means only the remainder will be given, this is plus, this is minus. So ye to hai arithmetic operators, par agar ye ek hi expression mein sare aa jaye to solve kaise honge, wo hi sabse important cheez hai yahan pe, to wo main aapko samjhati hu. But usse pehle aap logon ke liye ek important cheez aur hai, like you know that I'm a plus educator on an academy. मतलब अगर आप मेरी लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं ऑन रेगुलर बेसिस इन द बैच फॉर्म, तो आप मुझे अनअकैडमी पे भी ज्वाइन कर सकते हैं. एक ही फीस में वहाँ पर हम सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि आपको एक एक सब्जेक्ट की फ़ीस देनी होती है. सो वेरी नॉमिनल प्राइजेज यू हैव एंड आप उसी में सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो. सो अभी ये ऑफ़र चल रहा है जो कि आज और कल, दैट इज़ 14th and 15th July को ही वैलिड रहेगा, जिसमें अगर आप 24 मंथ्स की प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ये जो 32,000 रुपीज़ की कॉस्ट है ये आपको रिड्यूस होकर 28,079 पड़ेगी. और आप यहाँ पर मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं AL कोडर्स टू गेट दिस डिस्काउंट. तो ये डिस्काउंट आपको मिल जाएगा जब आप जब सब्सक्रिप्शन लेते हो ना, तो वहाँ पर रेफरल कोड करके जगह आती है, तो वहाँ पर रेफरल कोड ज़रूर एंटर करना, नहीं तो आपको ये अमाउंट पे करना पड़ेगा. अगर आप रेफरल कोड एंटर करोगे तो जस्ट इमेजिन, मतलब दो साल, मतलब 24 महीने के लिए आप सिर्फ पे कर रहे हो 28,000 रुपये. दैट इज़ नथिंग. आप अगर पास वाले घर में दीदी से पढ़ने भी जाओगे ना, वो भी आपको अगर महीने का रोज़ एक घंटा पढ़ा रही है तो वो भी 2-3 हज़ार रुपये महीने के चार्ज करते हैं, है ना. यहाँ पे तो आपके पास 1,000 रुपीज़ अप्रॉक्स आपको पड़ेगा, 1,000 समथिंग. आप इसको EMI में भी पे कर सकते हो, मतलब वो आपके पेरेंट्स टीम से बात कर सकते हैं, कैन बी कन्वर्टेड टू द EMI आल्सो. एंड दिस फी इज़ नॉट ओनली फॉर कंप्यूटर साइंस और IT, दिस फी इज़ फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स. तो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, इट इज़ फॉर ऑल ऑफ दोज. तो दो साल की सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ इतने से प्राइस में मिल रही है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है. अगर आप लेना चाहते हैं, सो मेरा फ़र्ज़ है आपको ऑफर्स के बारे में बताना. सो दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू दिस. सो इफ़ यू वॉन्ट टू avail this, go ahead, but remember to use the code AL coders. The link is there in the description. वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन पेज पे जा सकते हैं. ओके, सो चलिए वापस आ जाते हैं. अब इधर हम बात कर रहे थे कि अगर एक ही इक्वेशन में मल्टीपल ऑपरेटर्स आ जाए तो पहले कौन सा सॉल्व होगा. इस चीज़ को कहा जाता है प्रेसिडेंस लेवल या फिर लेवल ऑफ हायरार्की और हायरार्की लेवल ऑफ ऑपरेटर्स, ठीक है. अब इसमें हमें देखना ये है कि कौन सा वाला पहले सॉल्व होगा. तो मैं आपको ये बना के दिखा देती हूँ एग्जैक्टली कि किस तरीके से हम इसे मैनेज करते हैं. तो सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस होती है डबल स्टार की. सो प्रेसिडेंस का मतलब क्या है? प्रेसिडेंस का मतलब है सबसे पहले कौन सा सॉल्व होगा. तो सबसे पहले होता है एक्सपोनेंट. तो जितने भी ऑपरेटर्स आपके पास हैं उसमें से सबसे पहले एक्सपोनेंट सॉल्व होगा. जब ये हो जाएगा तो आपके पास मल्टीप्लाई, डिवाइड, इंटीजर डिवाइड एंड रिमाइंडर, ये सब सेम लेवल पे हैं. सेम लेवल में से जो पहले आ जाता है लेफ्ट हैंड साइड से वो पहले ही इवैल्यूएट हो जाता है. और तीसरे लेवल पे होता है प्लस माइनस. अब एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई 3 × 5 − 2 दिस, इसको सॉल्व करो. तो अब आपको इसको सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है. अब आप इसे सॉल्व करके दिखाना चाहते हो तो आप इसमें सबसे पहले क्या सॉल्व करोगे? इसे, एक्सपोनेंट हैज़ टू बी सॉल्व फर्स्ट, ठीक है. तो आप नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे 3 × 5 − 4. अब क्या होगा? मल्टीप्लाई. सो 3 × 5 = 15 − 4 विच इज़ गोइंग टू बी 11. सो दिस इज़ योर आंसर. सो सबसे पहले ये सॉल्व होगा. अगर एक एक्सप्रेशन में ये ऑपरेटर्स ज़्यादा हैं, जैसे कि आपके पास है 3 × 2 / 4 समथिंग लाइक दैट, तो पहले मल्टीप्लाई होगा फिर डिवाइड होगा. सो ये आपके पास है 1.25, है ना, समथिंग लाइक दैट. सो ये आपके पास 1.25 आएगा, नहीं 1.5 आएगा. सो दिस विल बी 1.5. सो पॉइंट्स में आ जाएगा. लेकिन अगर यही डबल स्लैश होता तो आपके पास सिर्फ 1 आता, 1.5 नहीं आता, ठीक है. बट द मेन थिंग इज़ कि अगर दोनों ऑपरेटर सेम लेवल से हैं तो लेफ्ट टू राइट जो पहले आता है वो पहले सॉल्व होता है. सो लेफ्ट टू राइट को हम क्या कहते हैं? एसोसिएटिविटी. एसोसिएटिविटी इज लेफ्ट टू राइट ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. सो विच एवर कम्स फर्स्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड दैट शुड बी इवेल्युएटेड फर्स्ट, ठीक है. ये आपको याद रखना है. दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ पर लिख रहे हो 3 + 5 + 7 / 2,
सो ये कैसे सॉल्व करेगा, ये पहले करेगा 7/2 दैट इज 3.5, फिर वो इनमें ऐड हो जाएगा, तो 8+3.5 11.5 विल बी योर आंसर, ठीक है। लेकिन ब्रैकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं मैथ्स में, चाहे वो कोडिंग में हो चाहे वो जनरल मैथ्स हो। सो अगर आप ब्रैकेट लगा देते हो तो ऑब्वियसली ब्रैकेट हैज़ टू बी सॉल्व फर्स्ट, तो पहले आपका ये सॉल्व होगा। सो दिस इज 8+7 15/2 दैट विल बी 7.5। सो मेक श्योर कि जब भी आपके पास ब्रैकेट्स हैं वो पहले सॉल्व होती है। मैथ्स की तरह हम यहाँ पर राउंड कर्ली स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लगा सकते, सिर्फ राउंड ही होती है। बट अगर आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, मान लो यहाँ पे स्टार है और यहाँ पर आपने लिखा है 2+3, और अगर यहाँ पर फिर से ब्रैकेट्स आ गए हैं तो इसका क्या मतलब है कि इनर ब्रैकेट हैज़ टू बी सॉल्व फर्स्ट, पहले अंदर वाली ब्रैकेट सॉल्व होगी, फिर बाहर वाली ब्रैकेट सॉल्व होगी और फिर आंसर आएगा। सो जैसे मैथ्स में होता था, बस ये है कि यहाँ पे सिर्फ राउंड ब्रैकेट्स होंगी, यहाँ पे आपके पास दूसरी वाली ब्रैकेट्स नहीं होती हैं। बट राउंड ब्रैकेट्स को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, पेरेंथेसिस। सो व्हाट डू वी कॉल देम, पेरेंथेसिस। पेरेंथेसिस मतलब राउंड ब्रैकेट्स। तो जहाँ भी आपने राउंड ब्रैकेट्स लिखी हैं वो पहले इवैल्यूएट होगी और उसके बाद कुछ और इवैल्यूएट होगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ, दैट इज हाउ वी वर्क विद योर राउंड ब्रैकेट्स एट द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स, ठीक है। मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ। जैसे ये तो हमने देख ही लिए थे, अब यहाँ पर अगर मैं लिख देती हूँ प्रिंट एंड आई राइट 7+3 × 2, तो इसमें देखो पहले क्या होगा, 3 × 2 6 पहले होना चाहिए और फिर 6 में 7 ऐड होना चाहिए, सो इट शुड बी 13, राइट। अगर आपने यहाँ पर कहीं पे भी रेज टू द पावर बाद में दे दिया तो ये पहले क्या हो जाएगा, 2 raised to the power 3 8, 8 × 3 = 24, 24+7 = 31, ठीक है। देखा मेरी कैलकुलेशन कितनी फास्ट है। सो पाइथन की ज़रूरत ही नहीं है, बट एनी हाउ आपकी कैलकुलेशन जैसी भी हो, पर हमारे पास कंप्यूटर और ह्यूमन बींग में एक डिफरेंस हमेशा रहता है कि हम कभी भी गलत कर सकते हैं कैलकुलेशन, बट ये मशीन है, ये रिलायबल है, ये हमेशा सही आंसर देगी, ठीक है। सो ये हमारा ऑपरेटर्स हैं, पर आप चाहते हो कि नहीं पहले मेरे को ये मल्टीप्लाई ही करना है या ये मुझे पहले प्लस ही करना है, तो आप राउंड ब्रैकेट्स फर्दर दे सकते हो। तो ये 6 raised to the power 3 + 7 करेगा विच इज़ 223। और अगर आप चाहते हो कि नहीं पहले 7 और 3 ऐड होने चाहिए, तो पहले 7 और 3 ऐड होंगे 10 हो जाएगा, 2 raised to the power 3 होगा वो 8 हो जाएगा, सो 10 × 8 विल बी 80। गॉट इट? सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। और अगर मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट और लगा दूँ कि भाई पहले मल्टीप्लाई होना चाहिए, पावर बाद में होना चाहिए, सो इट विल बी 10 × 2 = 20, 20 raised to the power 3 विच इज 8000, ठीक है। सो ये है प्रेसिडेंस ऑर्डर, इसको आप याद रखेंगे। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और एग्जाम में तो पक्का ही आते हैं कि आपको एक्सप्रेशन दे दी जाएगी और आपको पूछा जाएगा कि इसका आउटपुट बताओ। सो एक तरह से आपका मैथ्स टेस्ट भी हो जाता है, पर आपको बॉर्ड मास नहीं लगाना है, आपको यहाँ के प्रेसिडेंस ऑर्डर के हिसाब से सॉल्व करके बताना है कि उसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। सो ये तो थे हमारे 7 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ऐसे ही हमारे पास और कैटेगरीज भी हैं, वी हैव रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, वी विल बी डूइंग ऑल ऑफ देम वन बाय वन, एक एक करके करेंगे। बट ये आपके पास जो अभी हमने किया दैट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है अब आपको याद रखने वाली क्या है कि जब आप रिमाइंडर निकालते हैं तो कभी भी छोटे नंबर को अगर बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर इटसेल्फ विल बी द रिमाइंडर। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको ये अलग से बता रही हूँ कि 7 mod 9 अगर हम करते हैं तो 7 इटसेल्फ इज द रिमाइंडर, क्योंकि डिवाइड हो ही नहीं सकता, तो 0 या 1 नहीं आता, 7 ही रिमाइंडर बच जाता है। और अगर आप 7/9 कर रहे हो तो 0 point something आता है, इसलिए वो सिर्फ 0 लेगा। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखेंगे और आप वीडियो को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब तो आप ऑलरेडी कर चुके होंगे। नाउ यू विल शेयर दिस विद ऑल योर फ्रेंड्स, ऑल योर क्लासमेट्स, और उनको भी बोलेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। एंड आई हैव स्टार्टेड 100-day चैलेंज इन पाइथन प्रोग्रामिंग, तो जैसे जैसे आप पाइथन सीखते जाओगे आप उसको भी फॉलो कर सकते हो टू प्रैक्टिस प्रोग्राम्स।
So that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take care and keep sharing.